नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए बिग बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स का होगा सौंदर्यीकरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन, गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, छात्रा के गलत तरीके से बढ़ाए नंबर, छात्रों में पनपा आक्रोश। और नोटबंदी के खिलाफ कैलारस में कांग्रेस का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध, केंद्र सरकार को कोसा। इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। न्यू मार्केट स्थित जीटीपी कॉम्प्लेक्स में आज शहादत स्तंभ पार्क के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ये पवित्र स्थान शहर का सबसे सुंदर स्थान बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सर्वोच्च बलिदानी थे, ऐसे व्यक्ति के नाम के उच्चारण मात्र से लोग धन्य हो जाते हैं। उन्होंने जीटीपी कॉम्प्लेक्स को समस्त शासकीय अभिलेखों में गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स के नाम से दर्शाने के निर्देश दिए। सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य पर भोपाल नगर निगम लगभग 22 लाख से ज्यादा की रकम खर्च करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिख संगत को मुख्यमंत्री निवास में 12 नवंबर को आयोजित प्रकाश पर्व में पधारने का आमंत्रण भी दिया। इस मौके पर महापौर आलोक शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, ज्ञानी दिलीप सिंह सहित शहर के गुरुद्वारों के अध्यक्ष, सिख संगत और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनकी स्मृति में स्तंभ का निर्माण नगर निगम भोपाल करवा रहा है। ये शहादत का स्तंभ है जो देश के लिए बलिदान करने की प्रेरणा आम जन को देगा, और गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम देश और समाज के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं नगर निगम भोपाल को धन्यवाद देता हूं, ज्ञानी जी और पूरे सिख समाज को धन्यवाद देता हूं कि अवसर। भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वजह यहां चल रही धांधली है, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के ही छात्र अब लामबंद हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। क्या NLIU में ऐसे ही परीक्षाओं में धांधली की जाती है? NLIU में ऐसा कब से चल रहा है? क्या रसूखदारों के बच्चों को मिलता है फायदा? इन अनियमितताओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? ये है भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स कानून की पढ़ाई करने आते हैं ताकि वो अच्छे वकील बन सकें, अच्छे जज बन सकें और लोगों को न्याय दिला सकें। लेकिन विडंबना देखिए कि कानून का जो ककहरा पढ़ने ये यहां लाखों रुपए फीस देकर आए हैं, वो शिक्षा का मंदिर इन दिनों आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। मामला तब उजागर हुआ जब यहां एक छात्रा को एक विषय में गलत तरीके से 10 नंबर देकर पास कर दिया गया। जाहिर है छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा पनपना था, तो यहां के तमाम स्टूडेंट्स ने प्रबंधन के खिलाफ खोल दिया मोर्चा और जिम्मेदारों से मांगा जवाब। लेकिन यहां के डायरेक्टर प्रोफेसर SS सिंह ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एक प्रश्न का मूल्यांकन नहीं हो पाया था, इसलिए नंबर बढ़ाए गए। छात्रों को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और धरना दे डाला। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि यहां कई तरह की अनियमितताएं और गड़बड़ियां चल रही हैं। बहरहाल छात्रों का प्रदर्शन क्या रंग लाता है देखना बाकी है। नोटबंदी और GST को लोक हित में उठाया कदम बताकर जहां BJP जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी सिलसिले में कैलारस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। नोटबंदी और GST के विरोध में कैलारस के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, जो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह नुक्कड़ सभा भी की। कैंडल मार्च में केशव प्रसाद गोयनकर, राजेंद्र शुक्ला और बिंदु कुरैशी समेत कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट indiafirst.online पर। नमस्कार।
subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.